अनिल, आपने देख लिया होगा कैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले एक बात सुनो, कई बार बच्चे ये कहते हैं, सर मुझे तो उस क्वेश्चन में 3 नंबर मिले लेकिन मेरे दोस्त को 4 नंबर मिले और आपको बहुत बुरा लगता है, ऐसा होता क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, जितना अच्छे से अच्छा हो उतना अच्छा लिखो। दूसरा, डू दोज क्वेश्चन फर्स्ट विच यू नो, जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले सेक्शन ए ही करो, बी ही करो, सी ही करो, भाई जो भी पूरे पेपर में तुमको सबसे अच्छे से आता है पहले उसको करिए, सो दैट एग्जामिनर के ऊपर जो तुम्हारा इंप्रेशन जाए, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है पहले कुछ लिखेंगे फिर उसको काट देंगे, फिर कुछ लिखेंगे काट देंगे, तो इसीलिए बिल्कुल भी क्रॉस कटिंग आपको नहीं करनी है, और अगर गलती से कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसके ऊपर बस हल्की सी एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, पूरा घुचड़ू मुचड़ू नहीं करना है, पूरा क्रॉस कटिंग नहीं करनी है। पूरी बात बताऊंगा उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दो, मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, 1 2 3, आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। दूसरा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, क्वेश्चन है शॉर्ट, लिखना है 3 लाइन में और लिख देंगे भाई साहब पूरा पूरा पेज, और फिर अपने दोस्तों से कहेंगे तेरे भाई ने तो पूरा पेज भर दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके CBSE या UP बोर्ड आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, बिल्कुल नंबर नहीं देगा, इनफैक्ट आपके मार्क्स कट जाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको आ नहीं रहा तो चिल्ड्रन उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी याद आ रहा है, प्लीज़ उसमें ज़रूर लिख दो, खाली छोड़ के मत आना। और चिल्ड्रन, अभी तक अगर CBSE का नया ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, याद रखना, पुराना ऐप डाउनलोड नहीं करना है, नया ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस ऐप में मिल जाएंगे, तो अभी जाओ और अभी डाउनलोड कर लो।